अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी मसाला भिंडी की रेसिपी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक पॉट के अंदर ऑयल की ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने प्याज कट करके हुए रखी थी, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जब प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी स्लाइसिस में टमाटर कट करके वो रखे थे, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। वो ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से कुक करूँगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट था और रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इनको अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि इसकी सारी स्मेल निकल जाए। मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन चुका था और टमाटर भी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, आप लोग देख सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। मसाला अच्छे से भुन चुका था, अब मैं इसके अंदर भिंडी ऐड कर दूँगी। भिंडी ऐड करने के बाद मैंने इमली का पल्प बना के रखा हुआ था, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो हल्का सा जो खट्टा सा टेस्ट होता है ना सब्ज़ियों में, वो अच्छा लगता है। ये सब ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से कवर करके पकने के लिए रख दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो भिंडी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। भिंडी सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने इनको दोबारा अच्छे से मिक्स किया और फिर मैंने इनको कवर करके पकने के लिए रख दिया। अब हम इसका कवर हटाएंगे, इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे भिंडी को, ताकि जो भिंडी का कच्चापन है वो सब निकल जाए। मज़ेदार सी भिंडी मसालेदार फटाफट बन के रेडी हो चुकी थी और बहुत मज़े की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।